पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ विखे नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस तो। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज चंडीगढ़ विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी भी सिद्धू के नाल मौजूद सन। इस मौके मीडिया को संबोधन करते हुए सिद्धू ने कहा कि पंजाब नू कर्जे तो बाहर कढ़ना उन्हां दा मकसद है ते पंजाब दे लोकां दी भलाई लई काम करन नू वी ओह तरजीह दिंदे ने। सिद्धू ने इस मौके कांग्रेस दी हेठले पद्धर तो मजबूती दी गल नू दोहरांदिया कहा कि संगठन दी मजबूती विच ही सरकार दी ताकत है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब दे सिर वड्डा कर्जा है ते इस कर्जे कारण ही पंजाब दी वड्डी आमदन का हिस्सा कर्जा वापसी दे विच चला जाता है। इस मौके उन्होंने 13 सूत्री एजेंडे की भी गल की। सिद्धू ने कहा कि पंजाब नू तरक्की दे राह ते अगे ले जाना ते पंजाब नू कर्जा मुक्त करना ही उन्हां दा मुख मकसद है। पंजाब दे लोकां नू हिस्सेदार बनाउणा है, भागीदार बनाउणा है और उन्हां दे टैक्सां दी ताकत दुगनी तिगनी करके उन्हां नू मोड़नी है ते फिर उह इक अड पहलू है। उदा एक वचनबद्धता का भी पहलू है, टुटे विश्वास नू बहाल करन दा भी पहलू है और एक रोड मैप का भी पहलू है। इस करके ये इलेक्शन बहुत फर्क इलेक्शन है। पंजाब उस कगार दे उत्ते खड़ा है जिथे अज सब तो वध करजाई स्टेट है पंजाब। उदा एक उदाहरण है कि अज गोवा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बंदे दे उत्ते 14,000 करदा, हरियाणा 6,000 करदा, नैशनल एवरेज 3,500 दी है और साडा 870 है। इनू उत्ते चकना समस्त उन्नति का आधार हुंदा आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ये कोई लाइन ये नहीं है कि मैं आप कर ली है, ये लाइन वेदा दी है, शास्त्रा दी है, गुरुआ पीरा ने अध्ययन करके ये लाइन बनाई है कि सारी उन्नति का आधार जड़ा वो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है। पंजाब अपने पैरों पर खड़ा करना है, इस किचड़ चो बाहर कढ़ना है, इस कर्जे के साइकिल चो बाहर कढ़ना है, इस ट्रेंड नू रिवर्स करना है। ये ट्रेंड पिछले 25 साल रिवर्स नहीं होया। एक कर्जा लैके कर्जा मोड़न दा, कर्जा लैके वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करन दा, ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होया। मैं थोनू आश्वासन दिना कि साढ़े कोल एक बहुत ही समझदार सूझवान जनरल सैकटरी है जिन्हों पंजाब दा चप्पा चप्पा पता है। जांचिया परखिया खरा, ट्राइड एंड टेस्टिड, और वो पुरानी टीम जिन्हें कांग्रेस की इतने स्थापना की सी वो दोबारा हाथ मिला के साडा सहयोग कर रही है, सानू दिशा दे रही है। इस करके कोई रीजन नहीं है साडे पछड़न दा। डीसीसी प्रेजिडेंटा दी जिस तरह जनरल सैकटरी साहब ने कहा लिस्ट बहुत ही छेती असी जारी कर देंगे, तैयार पई है। उदे नाल जेड़े कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने बुला रहे ने ओ, और आने वाले 5-7 दिनों दे विच असी बाकी चीज़ां भी मुकम्मल करांगे और उदे नाल नाल इसे महीने दे विच तुहानूं कांग्रेस की ताकत भी दिखावांगे। उधर रोपड़ विखे विकास कार्यों का उद्घाटन करन पहुंचे MP मनीष तिवारी नू किसानां दे विरोध का सामना करना पिया है। मनीष तिवारी विकास कामां दे उद्घाटन दे मौके पहुंचे सन जिथे किसानां ने उन्हां नू घेर के सवाल जवाब किए। किसानां ने मनीष तिवारी तो पूछया कि उन्हां दीआं मंडियां दे विच रुल रहीआं फसलां नू लैके वह जल्द तो जल्द कोई ना कोई कदम चुकण। किसानां ने यह भी कहा कि मनीष तिवारी जल्द ही खाद की पूर्ति लई भी संभव यतन करन। इस मौके मनीष तिवारी ने किसानां नू संभव यतन करन दा भरोसा भी दिता है। ऐदा है कि इस इलाके की बहुत बड़ी मंग सी, बहुत देर तो मंग सीगी कि ये जड़ी सड़क हैगी है इहदा ठीक तरह निर्माण होवे, और अज बहुत खुशी की गल है कि ये जड़ी सड़क हैगी है कॉन्क्रीट की बन रही है। और मैं एक्सीएन नू हदायत दिती है कि जिन्नी छेती तो छेते
बना सकन उन्ना वधिया है। बस सड़क जो एमपी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक किया और जो वो गल्लां कहियां गईयां बड़े लंबे समय तो इहदी डिमांड सीगी वो डिमांड सरकार वालों और एमपी साहब दे यतना सदका वो पूरी हुई आ। सो असी धन्नवादी हाँ एमपी साहब दे पंजाब सरकार दे इत्थों तक भी हिंदुस्तान सरकार दे क्योंकि ये सारा इन्हां दा रल मिल के सहयोग दे नाल ये चीज़ हुई आ। सो इस करके असी बहुत बहुत धन्नवादी। बिल्कुल हुण तां एमपी लैड भी खुल गया वा और पंजाब सरकार वालों भी 17 करोड़ रुपया जिहड़ा वा ओह छेती रिलीज़ किया जाऊगा वख-वख पिंडां नूं। सो ये सारी डिमांड पूरी होण। ते उधर केंद्र सरकार ने वड्डा फैसला लैंदिआं 17 तरीक तों श्री करतारपुर साहिब दा लांघा खोलण दा ऐलान कीता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दित्ती है ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा करतारपुर साहिब दा लांघा खोलण दे लई धन्नवाद कीता है। इस दे नाल ही पंजाब दे वड्डे सियासी आगूआं वल्लों वी केंद्र सरकार दे इस फैसले दा स्वागत कीता जा रिहा है। मुख मंत्री चरणजीत चन्नी ने प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री दा इस फैसले लई धन्नवाद कीता है। इस दे नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र सरकार दे इस फैसले दा स्वागत कीता है। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी केंद्र सरकार दी इस फैसले दे लई तारीफ कीती है। सिद्धू ने कहा कि लंबे समय तो श्रद्धालुओं नूं इस फैसले दी उड़ीक सी ते हुण लखां श्रद्धालु श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन कर सकणगे। नायाब बेशकीमत तोहफा सारी ह्यूमन जगत गुरु उन्होंने तुम कि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चानन मना रहे सारी दुनिया के चानन मना और मैं शलाघा करता सरकार दी जिन्होंने खोलिया। कुछ चीज़ा पॉलिटिक्स तो बहुत उत्ते होंगे, कुछ चीज़ा पार्टियां तो भी बहुत उत्ते होंगे। ये रास्ता असंख्य संभावनावां का रास्ता है। इट इज़ अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटी। असी अरदासा करते हैं और अज मेरी अरदास है एक निमाणे सिख की अरदास कि ये सदा लई खुलिया रहे। टैंपरेरी तौर पर भी ये एक दिन भी बंद ना हो क्योंकि गुरु की मेहर साढ़े लिए सेध है। साडा मूल है साड़ी जड़ है कि जड़ है तो तने ने तो पत्ते ने तो पत्ते ने तो फल। इस करके साडा मूल मंत्र भी उन्होंने तो असी इस मूल में सींचीए उत्थे मत्था ला के हर धर्म का बंदा प्रेरणा ले। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की आपसी भाईचारे की सेध पाओ तो उन्हों तो प्रेरित हो के मैं एक लाइन लिखी सी मैनू अज तक सब तो वधिया लगती है द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर एंड टू डू गुड माई रिलीजन। इस करके ये नायाब बेशकीमत तोहफा ये धन्यवाद करते हैं और आस करते हैं कि चानन मना रहा केंद्र सरकार द्वारा श्री करतारपुर साहिब दा कोरीडोर खोले जाने दे फैसले तो बाद श्रद्धालुओं दे विच खुशी दी लहर है। कुल 1046 श्रद्धालुओं वालों पाकिस्तान दे वीजे लई अर्जियां दित्तियां गईयां सन जिन्हां विचों 855 भारतीय श्रद्धालुओं नूं पाकिस्तान दे गुरधामां दे दर्शनां दे लई वीज़ा दित्ता गया है। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ 191 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਚੂੜਕਾਣਾ, ਸੈਦਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
इस संबंध के असी जिहड़ा एंबेसी नूं 1046 पासपोर्ट भेजे से जिन्हां दे विचों 855 जिहड़े वीजे शरधालुआं दे लगे है, 191 जिहड़े आ यात्रुआं दे वीजे उन्होंने कट दिते कैंसल कर दिते है। तो जिहड़ा जत्था साडा इस संबंध में असी 2 दिन करोना कैंप जिहड़ा लाया सी ते बहुत सारे दे करोना टैस्ट किए गए हैं। तो इस संबंध जिहड़ा जत्था है मुड़ के 26 तरीक नूं जिहड़ा है वख गुरदन दर्शन दारे करके सामने इत्थे वापस पहुँचे गए अटारी बॉर्डर राही। केंद्र सरकार दे श्री करतारपुर साहिब दा कोरीडोर खोलण दे फैसले तो बाद लगातार सियासी आगुआं वलों इस मुद्दे ते प्रतिक्रम दित्ते जा रहे ने। वखो वखरियां सियासी पार्टियां दे आगुआं वलों केंद्र सरकार दे इस फैसले दा स्वागत किया जा रहा है। अमृतसर तो MP गुरजीत सिंह औजला ने भी केंद्र सरकार दे इस फैसले की शलाघा की है ते कहा है कि लंबे समय तो पाकिस्तान विच स्थित गुरुधामां दे दर्शनां दे लई जाण वालियां संगतां केंद्र सरकार दे इस फैसले दी उडीक कर रहियां सन ते शरधालुआं नूं इस फैसले दे नाल वड्डी राहत मिली है। करतारपुर कोरीडोर जिहड़ा दुबारा खोलिया गया असीं उहदा स्वागत करदे हां। करोना की वजह करके एक प्रोटोकॉल सी 2 कंट्रीज़ का कि कोई भी इधर उधर नहीं आए जाएगा क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड ही प्रॉब्लम सी करोना की। उस तो बाद जो सारे हुण करोना घटिया है तो बसों के रश भी पूरा हो गया, ट्रेना भी पूरी चलन लग गई, हवाई सफ़र भी पूरा कंट्रिया से जान लग गया एक दूजे कंट्री, तो यह बड़ी वड्डी डिमांड थी पिछले 3 महीने तो। मैं भी 3 लैटर जिहड़ियां सी ओह प्राइम मिनिस्टर नूं और एक्सटरनल अफेयर मिनिस्टर नूं पाइयां सी, CC कीती सी एक्सटरनल अफेयर मिनिस्ट्री नूं। उस तो अलावा बाकी जिहड़े सी राजनीतिक उन्हां भी ये कोशिश की सी इहनूं खोलण दी। सो मेरा मनना है कि ये सरकार ने एक चंगी पहलकदमी की है, यदा स्वागत करते हैं असी। और करोना तो बाद सारे लोग जाना भी चाहते सी, लोगों की परमात्मा के गुरु नानक देव जी के दे बहुत वड्डी आस्था है, हर जात हर धर्म तो उत्ते उठ के सारे उन्होंने अपने गुरु मानते हैं। सो वो पहलकदमी जी है ये सरकार ने जी खोल के दोबारा की है, तो मेरा ख्याल लोग भी अपने आप में वो रजिस्टर करके जरा करोना के समय से बहुत माड़े हालात चो निकले होंगे है निकलिया है परमात्मा के चरणों लोग अरदास करना चाहते हैं उन्होंने वास्ते ये चंगा मतलब एक जो मसला हल किया सरकार का वो चंगा काम किया है सरकार। केंद्र सरकार के श्री करतारपुर साहिब का कोरीडोर खोले जाने के फैसले तो बाद वखो वखरियां सियासी और धार्मिक शख्सियतों वालों सरकार के फैसले की शलाघा की जा रही है। दिल्ली विखे सिख सियासी आगू मनजिंदर सिंह सिरसा और मनजीत सिंह GK द्वारा सरकार के इस फैसले की शलाघा की जा रही है। उधर मनजीत सिंह GK ने कहा है कि इस मुद्दे पर सियासत ना की जाए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्र सरकार की इस फैसले को लेकर तारीफ की है। मैं करतारपुर कोरीडोर खोलन वेलकम करता वा। मैं समझदा वा कि गुरु नानक पातशाह जिसनों हिंदू सिख मुसलमान सारे मानते ने और यह कोरीडोर खुलन नाल खाली सिखा च नहीं गुरु नानक नाम लेवा जिहड़ा दुनिया च वसदे ने उन्हां सारियां नूं खुशी है कि दोवें सरकारां ने यह काम किया। मैं समझदा कि असी क्रेडिट वार्ड दे विच नहीं जाना चाहते कि किहदे कहण ते खुलिया किहदे कहण ते नहीं खुलिया। मैं समझदा वा कि जिहड़ा सरकार ने खोलिया मैं उसनों वेलकम करदा। सियासी पार्टियां इलैक्शनां दा दौर है जरूर इहदा क्रेडिट लैण की कोशिश करनगियां कि असी खुलवाया साडे कहण ते खोलिया गया, लेकिन जिहदे कहण ते भी खोलिया गया होवे या सरकार ने आप फैसला लिया मैं उसनों वेलकम करदा। अभी देश की गृह मंत्री जी द्वारा ये जानकारी दी गई कि कल से करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से करतारपुर के दर्शन दारे खोले जा रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खबर भी और बड़ी खुशी की बात भी है क्योंकि लगभग 1.5 साल बाद ये संभव होने जा रहा है। जहां अब संगत बिना वीजे के गुरु नानक देव पातशाह जी के उस महान स्थान करतारपुर साहब के दर्शन कर पाएगी, वहीं ये हम सिखों के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक संदेश भी देता है कि सरकार और देश के लोग कितने चिंतित हैं जब हमारे धार्मिक स्थान और धर्म की बात आती है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का और उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस करतारपुर साहिब लांगा खुलवाने में यत्न किए और अपनी कोशिशें की। मैं एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस खुशखबरी के लिए ताकि अब हम सब लोग गुरु नानक देव पातशाह जी के समान स्थान के दर्शन दारे बिना वीजे के जाकर कर पाए। आम आदमी पार्टी के आगू राघव चड्ढा ने भी केंद्र सरकार के करतारपुर साहिब का कोरीडोर खोले जाने के फैसले की तारीफ करद कहा है कि इस मुद्दे के उपर सियासत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह धार्मिक मुद्दा है तो धार्मिक मुद्दों के उपर सियासी पार्टियां सियासत करन तो गुरेज करना चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा है कि सियासत करन दे लई सिक्ख्या सेहत और विकास के मुद्दे ही बहुत ने ते इन्हां मुद्दों नूं लैके सियासी पार्टियां अपना एजेंडा लोगों नूं दसना चाहिए तो धर्म के आधार पर सियासत करन तो गुरेज करना चाहिए।
देखिए आज श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने का निर्णय लिया गया है, लांगा खोला गया है, हम उसका स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से, आम आदमी पार्टी इसका वेलकम करती है। और अब लाखों श्रद्धालु, लाखों डिवोटीज अब गुरु महाराज के दरबार में जाकर नतमस्तक हो सकेंगे, अरदास कर सकेंगे, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। हम इसका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है कि जो बीजेपी के पंजाब बीजेपी के नेता है वो लगातार दिल्ली में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री। देखिए मेरी ये हिदायत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि धर्म के मुद्दे पे, विश्वास के मुद्दे पे, ऑन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड फेथ राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पूरे विषय को राजनीतिक चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। ये लोगों के विश्वास का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है। राजनीति सियासत करने के लिए आपके पास बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय हैं जिन पर पार्टियां इलेक्शन लड़ना चाहिए पार्टियों को, लेकिन धर्म के विषय पे राजनीति करना एक अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी को यही हिदायत देना चाहूँगा। क्रेडिट वार भी आपके लोग देख रहे हैं नेताओं को कि धर्म के विषय पर ये लोग सियासत करना चाहते हैं और जो भी लोग धर्म के विषय पे सियासत करते हैं वो आग से खेलते हैं। मेरा उन्हें बस इतना ही कहना। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार का श्री करतारपुर साहिब का लांघा खोलन नूं लैके धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तो लखां श्रद्धालुओं को श्री करतारपुर साहिब का लांघा खोले जाने की उड़ीक सी। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद चिट्ठियां लिख के ते हरसिमरत कौर बादल ने भी चिट्ठियां लिख के प्रधानमंत्री नूं जल्द तो जल्द लांघा खोलन की अपील की सी। इस तो पहला उन्होंने पार्लीमेंट विच भी यह मुद्दा चुकया सी। इस मुद्दे नूं लैके उन्होंने केंद्र सरकार का हुण धन्नवाद किया ते कहा है कि लखां श्रद्धालु हुण श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन कर सकणगे। इस कदम नूं उन्होंने स्वागत योग फैसला करार दिता है। बड़ी खुशी है कि करतारपुर साहब दा लांघा खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री नूं चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट च उठाया तो चंगा है हुण खुल रहा है। तो बहुत लोगों की मंग सी ते लोगों की कौम की भावना सी जिहड़ी अज पूरी हो रही है। रोपड़ विखे NHRM दे कच्चे मुलाजमान वालों सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके मुलाजमान ने सरकार दे खिलाफ जबरदस्त रोस प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मुलाजमान ने इल्जाम लगाए ने कि सरकार ने उन्होंने पक्के करन दे वादे तो किए सन पर कोई वादा अजे तक पूरा नहीं होया। मुलाजमान ने संघर्ष तिखा करन दी चेतावनी दिंदिया उन्हां दीआं मंगां जल्द पूरियां करन दी अपील की है। 36,000 कामे पक्के करन वाला सिर्फ एक लॉलीपॉप कह सकते हो जी, तुसी इहनू एक दिखावा कह सकते हो, एक छलावा कह सकते हो, क्योंकि इहदे विच हजे तक एक गल सरकार खुद नहीं क्लीयर कर पा रही कि वह किहड़े 36,000 मुलाजम ने। एक पासे CM साहब कहिंदे ने कि जी एक पॉलिसी आल टाइम पॉलिसी बिल्ड कर दिती गई है कि इस पॉलिसी दे विच जिवें जिवें जिहड़ा जिहड़ा मुलाजम 10 साल पक्के करदा जा अच्छे 10 साल पूरे करदा जाऊगा वह अपने आप ही पक्का हुंदा जाएगा। परंतु जे देखा जाए तो दूसरे पास ये कह दें जी सिर्फ गौरमेंट पंजाब गौरमेंट दियाँ सिर्फ सैंक्शन पोस्टा के अगेंस्ट ही बंदे पक्के किए जाएंगे, वो सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीमां दे बंदे नहीं होंगे। जिहड़ी कि अज साडी 12 बजे माननयोग उप मुख्यमंत्री पंजाब ते सेहत मंत्री पंजाब जी दे नाल पैनल मीटिंग होने जा रही है। जे उस मीटिंग दे विच जिहड़ा पिछले दिनी सरकार ने 36,000 मुलाजमान नूं पक्के करन दा फैसला किया तो उहदे विच एक काणी वंड करदे हुए NH मुलाजमान नाल फिर धोखा धरो कमाउंदे हुए उन्होंने साइडलाइन किया गया ये कह के कि सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीमां दे जिहड़े बंदे ने वो पक्के नहीं किए जा सकते गे। तो असी उस रोस वजो कि सरकार सानू साडा बनदा हक देवे, साडियां सेवावां नियमित करे, उस हक दे लई असी अज सारे फिर एक बार तो सारे इकट्ठे हो के सारे पंजाब दे विच सारे जिले 23 दे 23 जिले अज एक दिन हड़ताल ते ने और सानू बहुत ही उम्मीद अज दी मीटिंग तो नहीं है सरकार तो यह असी हड़ताल अगे कंटिन्यू करांगे। बेशक पंजाब सरकार वालों मंडिया के विच चंगे प्रबंधा के दावे किए जा रहे हैं पर अक्सर ही मंडिया विचों अजिहियां तस्वीर सामने आ रही ने जिन्हां दे विच किसानां दे परेशान होण दीआं खबरां सामने आ रही ने। आम आदमी पार्टी के आगू सरबजीत कौर माणुके ने जगराओं की एक मंडी तो लाइव हो के मंडी के हालातों को दिखाया है। माणुके ने दावा किया है कि सरकार द्वारा किए गए मंडिया के प्रबंधा के दावे झूठ ने ते किसानां दीआं फसलां मंडिया के विच रुल रही ने। माणुके ने इल्जाम लगाए ने कि सरकार के दाव्यां के बावजूद एक वड्डी तादाद के विच फसल अजे भी मंडिया के विच रुल रही है ते झोना की लिफ्टिंग सरकारी एजेंसियों वालों नहीं की जा रही। किसानों वालों भी इस मुद्दे को लैके सरकार नूं मंडिया चों झोना चुकण की अपील की जा रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला पहुंचे जिथे उन्होंने हड़ताल से बैठे सेहत कामिया दे नाल मुलाकात की। इस मौके सिद्धू ने जूस पिला के सेहत कामिया की भुख हड़ताल नूं तोड़िया ते नाल दी नाल कामिया दे हक्कां दी लड़ाई लड़न दा भी उन्होंने वादा किया। सिद्धू ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने
कामयां दे नाल बहुत वड्डे वड्डे वादे कीते सन पर कोई भी वादा पूरा नहीं कीता। उन्हां कहा कि लोक सोच समझ के अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करन तां जो सरकारां लोकां दे नाल जो वादे करके भुल जांदियां ने उह सरकारां उन्हां वादियां नूं याद रखण ते लोकां दी भलाई दे लई काम करन। इस मौके सिद्धू ने कामयां दे हक्कां दी लड़ाई लड़न का भी ऐलान किया। ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ PADA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ। इस गल नूं उलझाना होवे जिन्ना मर्जी उलझाई जाओ, जो मर्जी करी जाओ, लेकिन जदों मैं सुनन नूं तैयार और लड़ाई ओह थोड़ी लड़ा इक्को गल आई इक फिर मैनूं पैसा लिया असीं 183 करोड़ वापस करने तैयार आ, इह बोझ नहीं पांदे सरकार। देखो मेरी गल सुनो, मैं सिन्हा कोल जी कोल फायर पई है, थोड़ा इक फोन ही साडा काम करा, तुसीं कल फोन करो, हुण काम हो जाएगा। मैं क्या मैं फोन नहीं करूं, मैं तो कोल जाऊं। बस ठीक है, बुलाऊं बहुत मेहरबानी, पार्टी का प्रधान है, बुलाऊं। बस ठीक है, और के काम करा के पी सिन्हा को देखो, और किते नहीं के पी सिन्हा ने एक पर हम भी एक गल करो। हां जी, हुण आपदे जूस दस पी, आम आदमी पार्टी के आगू ते सुनाम तो विधायक अमन अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी के सियासी आगुआ का स्वागत किया। चंडीगढ़ विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पंजाब की मौजूदा सरकार के उपर बिजली समझौतों लैके तिखे सियासी हमले किए ने। अमन अरोड़ा ने इस मौके सरकार ते इल्जाम लगाए ने कि सरकार वाइट कॉलर माफिया का साथ दे रही है, तो बिजली समझौतों कारण पंजाब के लोगों नू करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस दे नाल ही उन्होंने बिजली समझौतों नू लैके श्रोमणी अकाली दल की सरकार ते भी तिखे सियासी हमले किए ने। उन्होंने कहा है कि बिजली माफिया लोगों नू करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है, तो सरकार इस बाबत सख्त कदम नहीं चुक रही। कि असीं लंबे समय तो कहिंदे आ रहे हैं कि पंजाब पंजाब की इकोनमी, पंजाब की एग्रीकल्चर, पंजाब का यूथ ते पंजाब नू नशियां तो इको तरीके नाल बचाया जा सकदा, कि इत्थे इंप्लॉयमेंट जनरेशन है जिहड़ी उह होनी चाहीदी है। पर सॉरी टू से जिहड़ा इह सिर्फ और सिर्फ हुण लोकां नू लॉलीपॉप देण लगे ने, दैट इज़ नॉट द राइट वे फॉरवर्ड। वह तरीका सही नहीं हैगा। वह इस करके नहीं हैगा कि एक पासे तां बच्चा जिहड़ा पंजाब दा उह बाहर नू जा रहा है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 30,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 30,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ 100% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਫੋਰਸ ਐਨੀਬਡੀ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ IAS ਔਰ IPS ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੋਟ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ UP ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
तकरीबन तकरीबन 30 लाख जिहड़ा माइग्रेटरी जिहड़ा हैगा बंदा वह इत्थे काम करदा है इन केस दे गो बैक काम कि चलूगा। स्किल्ड लेबर इन्होंने तैयार नहीं की हैगी, आयलट्स तैयार करते हैं मुंडे कुड़ियां। सुखबीर बादल जी आपके मैनीफेस्टो दे विच कहिंदे ने कि जिन्हें आयलट्स करनी है मैं 10 लाख रुपया जो मेरी सरकार बन गई मैं 10 लाख रुपया उन्हों गरंटी फ्री तो लोन फ्री उन्हों इंट्रस्ट दूंगा। इतों के बच्चे बाहर भेजन लगे हुए ने ते वर्कफोर्स कितों तैयार होगी। मीटिंग दे विच कई अहम मुद्दों ते विचार चर्चावां होईयां। मीटिंग तो बाद मीडिया नूं संबोधन करदे सीएम चन्नी ने कहा कि करतारपुर साहिब दा लांघा खुल्लण दे नाल उहनां नूं बेहद खुशी होई है ते ओह कैबिनेट मंत्रियां दे नाल खुद भी श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन करन दे लई जाणगे। सीएम चन्नी ने कहा कि लंबे समय तो शरधालुआं नूं केंद्र सरकार दे इस फैसले की उड़ीक सी ते हुण लखां शरधालु श्री करतारपुर साहिब दे दर्शनां दे लई जा सकणगे। उन्हां ने कहा कि ओह खुद भी अपने पूरे मंत्री मंडल दे नाल श्री करतारपुर साहिब दे दर्शनां दे लई जाणगे। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल इन्ना ही, फिर तो मुलाकात होवेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।